बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल के खेल ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें किसी और नेता का नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा जोरों पर है, जिसे बल आरजेडी नेता के बयान के बाद मिला है। उनके दावे ने तेजस्वी यादव में भी नया जोश भर दिया है, इसीलिए तो वो चाचा को फिर एक बार पलटू राम पुकारते नहीं थक रहे हैं। बिहार की सियासत मौसम की तरह रंग बदलती है और इस रंग में नेता भी कब बदल जाते हैं इसका इल्म किसी को भी नहीं रहता। जब 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ दोस्ती की दास्तां लिखी तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। हालांकि इस दास्तां में दुश्मनी का पन्ना भी जल्द ही जुड़ गया, लेकिन फिर एक बार चुनाव सिर पर है, मौसम बदल रहा है, नेताओं के बदलने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है, जिसमें चर्चा एक बार फिर नीतीश कुमार के नाम की है, जिनके आरजेडी के साथ जाने के दावे किए जा रहे हैं, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नीतीश कुमार जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका कोई विचार, सिद्धांत और नीति नहीं है। कुर्सी के लिए जनादेश भेज कब, कैसे, किस लिए, कहां और क्यों पलटी मारेंगे उनकी अंतरात्मा को भी नहीं पता। तेजस्वी यादव ने तंज अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद के उस दावे पर भरा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति का साइड इफेक्ट जल्दी ही बिहार में भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेडीयू आरजेडी के बीच अंदर खाने बातचीत शुरू हो गई है और आरजेडी को भी जेडीयू के साथ जुड़ने से कोई एतराज नहीं है। इसी बयान से अटकलें तेज हैं कि नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से सूबे में महागठबंधन की तस्वीर बनाएंगे। हालांकि इस दावे को जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी की ओर से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कभी लालू के साथ नहीं जाएंगे। अब नेता तो खबर का खंडन कर रहे हैं, लेकिन पाला बदलने का इतिहास यही बताता है कि राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए दोस्त और दुश्मन नहीं होता। कि क्या 2015 का इतिहास फिर एक बार खुद को दोहराता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।